Hello everyone. So now we are studying about adjective. कि adjective आपके कितने प्रकार के होते हैं. तो आपने इसके पहले के लेक्चर में आपने देखा कि adjective आपके दो प्रकार के होते हैं, qualitative adjective और determiner adjective. फिर determiner adjective में आपने ए अंदा के बारे में पढ़ा. वेल, अगर हम ये बात समझें या जानना चाहें कि determiner की क्यों ज़रूरत होती है, why determiner is important, अगर ये हम यहाँ पर क्वेश्चन रेज करते हैं, वाई अ डिटरमिनर, वाई अ डिटरमिनर, क्या यूज़ है, क्यों डिटरमिनर हम पढ़ते हैं. तो डिटरमिनर, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बात करूँ कि मार्कर इज़ नाइस, मार्कर इज़ ब्लैक, तो भी आप मुझे बताएं कि ये मार्कर इज़ नाइस या मार्कर इज़ ब्लैक, ये आपका राइट है कि रॉन्ग है. तो आप बोला सही है, सही बोले, नहीं रॉन्ग बोले. अगर मैं इस मार्कर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे कहना चाहिए दिस मार्कर, दैट मार्कर, आ मार्कर, माई मार्कर, योर मार्कर, हिस मार्कर, हर मार्कर. ये कहने पर ही कोई ना कोई भाव आएगा, नहीं तो ये एक्सप्रेस होगा कि मार्कर इज गुड, मतलब मार्कर अच्छा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है. कॉमन नाउन से कही गई बात कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ ना बन जाए, इसके लिए उससे पहले डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं. मीन्स कि आप डिटरमिनर का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रहे हैं. मार्कर इज़ गुड का मतलब मार्कर अच्छा होता है, ये दुनिया के सारे मार्कर की बात हो रही है, मार्कर अच्छा होता है. बड़ी वाइज से दिस मार्कर, तो ये एक स्पेसिफिक बात हो गई. तो डिटरमिनर का यूज़ यही है कि डिटरमिनर का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि कॉमन नाउन से कही गई बात कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ ना बन जाए, इसके लिए उस हम लोग डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं. ठीक है, देखिए मैं इस बात को लिखता हूँ, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से कही गई बात कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ ना बन जाए, ट्रूथ ना बन जाए, ना बन जाए, इसके लिए उससे पहले डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं, डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं. एक तो ये बात होगी. सेकंड थिंग, वाई द, आप देखते होंगे कि हमेशा द सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. क्यों यूज़ होता है? इसलिए यूज़ होता है कि जितने भी डिटरमिनर हैं, जैसे डिटरमिनर बहुत सारे हो गए, ए अंदा हो गया, आर्टिकल्स, फिर दिस दैट, दिस दो, द सेम सच, ईच एवरी, इधर नीदर, सम, मेनी, ऑल, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी आपके डिटरमिनर हैं. तो लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ द का क्यों करते हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ द का इसलिए करते हैं क्योंकि द ही एक ऐसा डिटरमिनर है जो स्पेसिफाई भी कर देता है और किसी मीनिंग को ऐड नहीं करता. मसलन अगर आप किसी और डिटरमिनर का यूज़ करेंगे, जैसे आप बोलेंगे माई मार्कर, तो इसकी मीनिंग हो गई मतलब मेरा मार्कर, योर मार्कर मीन्स आपका मार्कर, हिज मार्कर उसका मार्कर, देयर मार्कर उनका मार्कर. तो ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, माई मार्कर, योर मार्कर, दिस मार्कर, ये मार्कर, दैट मार्कर, वो मार्कर, लेकिन द ऐसे किसी भी मीनिंग को ऐड नहीं करता. ए एन भी अच्छा है, लेकिन ए एन एक मीनिंग को ऐड करता है जो होता है एक, एक. तो वैसे तो इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि सिंगुलर तो एक होता ही है. इसलिए राम पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, उसका ट्रांसलेट बनाया राम राइट्स अ लेटर. लेकिन जब सिर्फ आता है राम पत्र लिखता है, उसका भी ट्रांसलेशन बनाया कि राम राइट्स अ लेटर, तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है. सर यहाँ पे तो लिखा है कि राम राम पत्र लिखता है, तो क्या है ए लगाना ज़रूरी? टीचर बताते हैं हाँ ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है यह बात डिस्कस नहीं होती. ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इंग्लिश के अंदर में अगर कॉमन नाउन्स को आप यूज़ कर रहे हैं और उससे पहले आप डिटरमिनर नहीं लगाएंगे तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाएगा. लगेगा कि वो राम का पत्र लिखना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जबकि ऐसी बात तो है नहीं. राम का पत्र लिखना कोई सार्वभौमिक सत्य है नहीं, ऐसा तो है नहीं, वो लिखता ही है, राम का मतलब है लिखता है. तो इस वजह से उससे पहले ए लगाते हैं. ए एन जब लगता है
तो अपने साथ मीनिंग एक को लेकर आता है, वन। इंग्लिश में सिंगुलर में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिंगुलर मतलब ही एक होता है। इसलिए राम राइट्स, राम पत्र लिखता है या राम एक पत्र लिखता है, दोनों का ट्रांसलेशन राम राइट्स अ लेटर होता है। लेकिन इसी वजह से ए एन का यूज़ मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक की मीनिंग ऐड कर रहा है, और जो मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके साथ दो नहीं पॉसिबल है, तीन नहीं पॉसिबल है, चार नहीं पॉसिबल है, उसके साथ एक कैसे आएगा? इसीलिए ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। अच्छा, वेल, अगर द की बात करें तो द एक ऐसा डिटर्मिनर है जो किसी मीनिंग को ऐड ही नहीं करता और उस कॉमन नाउन को इनर सर्टूत भी नहीं होने देता। इसी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा द का प्रयोग करते हैं। तो द इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट डिटर्मिनर। तो इसीलिए इसको एक तरह से बेस्ट डिटर्मिनर भी हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करना हो तो हम द का यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक बात आ गई कि वाई डिटर्मिनर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपने बोला डिटर्मिनर ज़रूरी है क्योंकि कॉमन नाउन से अगर कही गई कोई बात है और हम चाहते हैं कि कॉमन नाउन से कही गई बात यूनिवर्सल ट्रुथ ना बने, तो उसके साथ में हमने दा लगाना पड़ता है, या कोई भी डिटर्मिनर लगा सकते हैं। लेकिन दा के लगाने से लाभ ये है दैट इट डज नॉट गिव, इट डज नॉट ऐड एनी मीनिंग, कोई अपने तरफ से किसी मीनिंग को ऐड नहीं करता। तो ये इसकी खास बात हो गई। अब हम लोग कुछ और स्पेशल एडजेक्टिव टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हेडिंग डाला हम लोगों ने अदर, एनी अदर, एन अदर, नो अदर। देखिए अदर को हम लोग अन्य की मीनिंग में यूज़ कर लेते हैं, सिंगुलर या प्लूरल के साथ, किसी के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, द अदर बॉय इज कमिंग मीन्स सिंगुलर, इसी को प्लूरल में कर सकते हैं। द अदर बॉयज आर कमिंग, यही आपको प्लूरल हो गया। अन्य, कोई अन्य, अन्य के भाव में इसको कर लेते हैं, अन्य के भाव में, ठीक है। अदर, फिर अगला आ गया एनी अदर। एनी अदर का प्रयोग हम नेगेटिव के साथ कर लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम एनी अदर का प्रयोग कर लेंगे। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट मीट एनी अदर बॉय, ये आपका डिड नॉट लगा है, ये हमने एनी अदर का यूज़ कर लिया, ठीक है। नो अदर का खास बात ये होती है कि नो अदर के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड दोबारा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि नो ऑलरेडी इसमें ऐड है। इसके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते। इसके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते। देखिए एग्जाम्पल, नो अदर बॉय डिड नॉट टर्न अप टू ज्वाइन द ग्रुप ए बी सी एंड डी, ये इस तरह से। नो अदर बॉय डिड नॉट टर्न अप टू ज्वाइन द ग्रुप, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया? एरर हो गया, एरर बी वाई, क्योंकि आप देख रहे हैं जो सेकेंड क्लॉज है वो आपका डिड नॉट टर्न अप आया, वो सेकेंड क्लॉज है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको नॉट को हटाना पड़ेगा, नॉट को हटाएंगे डिड भी हट जाएगा और फिर टर्न अप कर देंगे, तो हो गया डिड नॉट टर्न अप
के स्थान पर टर्न अप टर्न्ड अप होगा, डिड नॉट टर्न अप के स्थान पर टर्न्ड अप होगा, ठीक है। ये अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका रह गया इसमें। देखिए अदर आप सिंगुलर या प्लूरल किसी के साथ यूज़ कर सकते हैं, एनी अदर का यूज़ आप निगेटिव के साथ करते हैं, और फिर आपका निगेटिव के साथ में नो अदर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नो लगा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट इज अनदर, अनदर का प्रयोग, अनदर। देखिए अनदर की खास बात ये होती है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है ये इन चारों में, अनदर सबसे ज़्यादा आता है। वो इसलिए क्योंकि ये बना ही है एन प्लस अदर से, अगर एन प्लस अदर से बना है तो और क्या होगा, इससे पहले कभी ए एन द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि एन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इससे पहले कभी भी ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात हो गई, इससे पहले कभी भी ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात होगी। सेकंड क्या हुआ, अनदर के साथ साथ कभी भी प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करते, प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करते, क्यों, क्योंकि एन लगा हुआ है, प्लूरल नाउन का प्रयोग कैसे करेंगे, राइट। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। देखिए द अनदर बॉय इज कमिंग टू मीट अस, ये बात होगी, ए बी सी एन डी, ऐसे देखने में तो ठीक लग रहा है बट इट्स रॉन्ग। वाई रॉन्ग, बिकॉज ये द नहीं लगेगा, क्यों, पहले बात हो गई कि एन प्लस आधा रहता है, इसका साथ द नहीं लगेगा, ऑलरेडी एन लगा हुआ है, तो यही आपका एरर हो गया, एरर ए, द का यूज नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगला है, आई नो दैट अनदर बॉयज आर कमिंग टू मीट यू, आई नो दैट अनदर बॉयज आर कमिंग टू मीट यू, ए बी एंड सी। अभी क्या गलत हो गया, देखिए अनदर लिखा हुआ है और ये बॉयज है, आर है, तो ये नहीं होगा, अनदर बॉय इज होगा, या तो ऐसा करेंगे या फिर यहाँ से एन हटाएंगे, अदर बॉयज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको दो चीज़ें यहाँ पर सही करनी पड़ेंगी, इसलिए हम लोग यहाँ से एन हटा देते हैं और सिर्फ अदर बॉयस करते हैं। तो क्या हो गया, ये एरर बी, अदर बॉयस होगा, राइट, अनदर के स्थान पर क्या हुआ, अदर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अदर, एनी अदर, अनदर और नो अदर, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और ये आपके अक्सर आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, राइट। ये पार्ट्स से सबसे ज़्यादा एरर आपके अनदर से आते हैं और नो अदर से भी आपके पार्ट के एरर आते हैं, राइट। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर लीजिए एंड आई होप दैट यू विल गेन योर मार्क्स इफ़ यू स्टडी
from this part. Okay, thank you so much. Thank you.